कि और उत्तर प्रदेश की सरकार का जो मुख्यालय है वहाँ पे ये पेपर हुआ। हम लोग यहाँ मऊ डिस्ट्रिक्ट आए तो यहाँ पता चला कि ये फर्जीवाड़ा हुआ। आपने जैसे कब फॉर्म फिलअप किया था? हमारा तो फॉर्म भाई कि कुछ उम्मीद है, तीन सौ लोग हैं, आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं कि मैं सरा लखनसी के पास से गुजर रहा था तो यहाँ कुछ खबरें मिले हैं। ये भैया लोग से बातचीत करेंगे और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ देखिए विद्यार्थी लोग झूठ एकजुट लगा के भीड़ लगाए हुए हैं, या क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या सर ये है कि उसमें फर्जीवाड़ा ये हुआ है कि हम कृषि अनुसंधान केंद्र से लेटर गई, कल लेटर ज्वाइनिंग लेटर, पहले परीक्षा कराया गया उसमें 500 रुपया लिया गया। किस चीज का ज्वाइनिंग लेटर आपके पास पहुंचा? कृषि अनुसंधान केंद्र मऊ से गया, उस नाम से गया। उसके बाद उसमें फर्जीवाड़ा ये हुआ कि हम लोग यहाँ पाए तो पता चला कि ये नहीं है। तो किस चीज की भर्ती के लिए आपको वो लेटर गया था? कृषि अनुसंधान था, कृषि कपास से। अच्छा, गवर्नमेंटेड था तो उससे आपसे कुछ नगद भी लिया गया? हाँ, उसमें नगद लिया गया 1100 रुपया, कल ने परसों ट्रांसफर किए, 500 रुपया पहले लिए, लखनऊ परीक्षा कराया गया। तो उसमें समस्याएं क्या आ रही हैं आपको? यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई भर्ती नहीं होगा, जाइए आप लोग घर जाइए। तो आप लेटर दिखा दीजिए। तो जहाँ पे भैया आप पैसा दिए थे उन लोगों से आप बातचीत किए हैं? नहीं, उन लोगों से मुलाकात नहीं हुई। उन लोगों से मुलाकात नहीं हुई है? तो जहाँ पैसा दिए होंगे वहाँ गए होंगे ना आप? उस जगह पे आप गए होंगे ना? उस जगह हैं तो बंद है वो जगह। अच्छा, वो जगह ऑलरेडी बंद कर दी गई है? यही बगल में एसपी ऑफिस के बगल में। तो यहाँ पे आने का आखिर प्रकरण क्या था? ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों को कल भी बुलाया था, अब कुछ लोगों को आज बुलाया है। हम लोगों को आज बुलाया, कुछ लोगों को कल बुलाया था। जो कल बुलाए थे तो कल लफड़ा हुआ, तो मतलब मारपीट हुई है और पुलिस वाले उनको पकड़ ले गए हैं। और ये कह रहे हैं मतलब पुलिस वाले यहाँ पे क्या अंदर हैं। हम कह रहे हैं हमसे मिलवाओ, उनसे तो नहीं मिलवा रहे। अच्छा, हालांकि कल भी लोग इसको कुछ आए थे कंप्लेन करने, उनको पकड़ लिया गया है। दो दिन के लिए हाल बुक था ये बगल वाला, ये अच्छा। ये बगल में हाल है, कमेटी हॉल हाँ, कमेटी हॉल एसपी ऑफिस के बगल से, उसमें लिखा भी है हमारे, उसमें पूरा जो ज्वाइनिंग लेटर डाक द्वारा आया है पूरा। पहले जून में ऑनलाइन कराया गया है। हालांकि देखिए भैया दिखा रहे अपना ज्वाइनिंग लेटर, इस तरीके से धांधली हो रही है, भ्रष्टाचार का इस तरीके से नियम पालन करवाया जा रहा है और पुलिस भी इसमें सम्मिलित बताई जा रही है। हालांकि क्या सच है ये हम नहीं जानते। और भैया लोगों का ये कहना है कि कंप्लेन करने जब यहाँ आए हम लोग तो पुलिस के द्वारा जो है हमारे साथियों को बंद कर लिया गया। जब हमसे उनसे मुलाकात की गुहार लगाने लगे तो मुलाकात नहीं करने दिया जा रहा है, ये सच्चाई है भैया? हाँ भैया, क्या बताना चाह रहे, क्या समस्या क्या है भैया? कि एकदम कानून प्रक्रिया के द्वारा मुझे लग रहा है फ्रॉड हो रहा है और इतना अच्छे से प्रक्रिया हो रही है, लग रहा है कि बिल्कुल गवर्नमेंटेड जॉब है। रिक्त पदों को भरा जा रहा था या फिर खाली ऐसे कोई वैकेंसी निकाली गई? जी, 2000 दिखाया गया था कि वैकेंसी है और पंचायत में होगा ग्राम में, और इसका पेपर भी हुआ, ऑनलाइन फॉर्म भी भरे गए, लखनऊ में पेपर दिया गया, अच्छे से प्रोसेस पूरा हुआ, कॉल भी आया था। ये समझ लीजिए कि एडमिट कार्ड, बहुत से लोगों ने तो 1100 रुपए पेमेंट भी कर दिए। वेबसाइट भी है उसकी। इसमें कितने विद्यार्थी जो है कि इसमें सम्मिलित हैं? लगभग 15, लगभग 10,000, 10 लोगों के साथ भ्रष्टाचार से शामिल माना जा रहा है। तो ये कंफर्म है कि है कि नहीं है, कि आप लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी है? देख लीजिए, मऊ जिला के थाना सराय पड़ता है जी, बगल से एसपी ऑफिस पड़ता है, एसपी ऑफिस के बगल के होते हुए फिर भी जो है यहाँ जो है सब फ्रॉड जो है काम किया गया, प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। बांदा जिला से 400 किलोमीटर से। तो यहाँ पे आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए बुलाया गया था? ज्वाइनिंग लेटर डाक द्वारा आया है, ज्वाइनिंग करवाने के लिए, मतलब यहाँ इसलिए बुलाया गया, ट्रेनिंग के लिए कह रहे थे, मतलब पोस्टिंग के लिए। यहाँ पे जब आप आए उसमें लिखा है, यहाँ पे जब आपको बुलाया गया तो यहाँ कोई ट्रेनिंग वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, तो आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं, जो लेटर भेजने वाला था उसको या पुलिस प्रशासन को या जिसके द्वारा आपने पेपर दिया उनको? ये तो उसमें कहा था पूरा ओरिजिनल सब कुछ है। ऑनलाइन आपने फॉर्म ऑनलाइन भरा, ऑनलाइन फॉर्म भरा, ऑनलाइन के बाद एडमिट कार्ड निकाला, फिर उसके बाद लखनऊ में पेपर दिया, उसमें बाकायदा सेंटर लिखा है चार बाग में, आर कन्या कॉलेज है, उसमें कहा था हमने दिया, एडमिट कार्ड भी है, सब पूरा हर चीज हमारे पास है। हाँ, ये लेटर आप लोग भी इसी में जी, सब लोग। आपने जैसे कब फॉर्म फिलअप किया था? हमारा तो फॉर्म भाई फिलअप किया था जी, अप्रैल में, लास्ट अप्रैल तक पेपर हुआ जी, और फिर अगस्त में 13 अगस्त को पेपर हुआ जी। तो यहाँ पे आने के बाद क्या लग रहा है कि कुछ उम्मीद है? आने का उम्मीद कुछ नहीं लग रहा है। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम गोंडा जिले से यहाँ पे आ गए हैं। आपको नौकरी देने के झांसे में जो है कि लपेटने का प्रयास किया जा रहा है जो भी भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं लोग, हालांकि आपके साथी संबंधी भी कुछ लोग यहाँ बंद है बताए जा रहे हैं, तो क्या वो सच है? मतलब जिनसे बात हो रही थी, अच्छा जिनसे डायरेक्ट बात हो रही थी,
जो मतलब जो ऑनलाइन का वो करवाया था, जिन्होंने आपके साथ फ्रॉडगिरी करवाई है, जिन्होंने ऑनलाइन का फॉर्म फिलअप करवाया, यहाँ आपको ट्रेनिंग के नाम पे बुलाया गया है जी, उनको कह रहे हैं 1100 रुपए सबसे पेमेंट करवाए हैं किट के नाम पर, किट के नाम पे, जो उसको इस समय रिटर्न कर देना चाहिए। अगर इन सबको बंद किया गया है तो सारा पैसा सबको खाते में रिटर्न कर देना चाहिए। हाँ भैया, आप भी इसी में शामिल है जी। उम्र कितनी होगी चाचा आपकी? हमारी तो 50 साल है। 50 साल के बाद भी आपको सरकारी नौकरी देने का ये सब ढोटन ढगाला? हाँ, बच्चे का, आपके बच्चे का, बच्चे का है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या कहना, उसको सामने लाए सर, हम लोग मिलना चाहते हैं उनसे। अच्छा, उनसे मिलना चाहते हैं, हालांकि पुलिस जो है अंदर उनको रखी है, मिलने नहीं दे। हम लोग मिलना चाहते हैं, हम लोगों ने इतना दूर से हम लोग आए हैं, पैसे में पेमेंट लिए हैं, उनकी फोटो सार्वजनिक हो, उनको देखना चाहते हैं, निकल जाएं बाद में। अंदर कितने लोग आपके साथ हैं? हम उनसे भी प्रयास करेंगे। कितने लोग हैं? 500-600 लोग 300 लोग हैं। जिनको अंदर बंद किया गया है वो आप पहचानते हैं कि वही आदमी है या दूसरा है? नहीं नहीं, उसके फोटो उसके साइड पे है, साइड में फोटो भी देखे नहीं जाएंगे साइड में। हां सर, अभी हम लोग उनको देखे नहीं है ना, देखेंगे तभी तो पहचान पाएंगे। हम लोगों से मिलना चाहते हैं। एक कृषि एवं पर्यावरण संस्थान में पेपर कराया गया लखनऊ में चार बाग में, जो प्रशासन के और उत्तर प्रदेश की सरकार का जो मुख्यालय है वहाँ पे ये पेपर हुआ। पेपर होने के बाद 6 महीने के बाद ज्वाइनिंग लेटर आया। ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद उन्होंने 1600 रुपए अपने खाते में जमा करवाया। जब हम लोग यहाँ मऊ डिस्ट्रिक्ट आए तो यहाँ पता चला कि ये फर्जीवाड़ा हुआ है। सरकार इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट कर रही है? सरकार से हमें न्याय चाहिए। यहाँ तक कि हम लखनऊ तक ही जाएंगे, लखनऊ में धरना प्रदर्शन भी करेंगे, सरकार के खिलाफ करेंगे। सरकार को सब पता है कि कैसे फर्जीवाड़ा हो रहा है। योग जनपद में ज्वाइनिंग हुई आपकी? वही बोल रहे थे कि गांव में ही ज्वाइनिंग करवाएंगे, ब्लॉक स्तर में ही ज्वाइनिंग करवाएंगे। नहीं नहीं, वहाँ अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में। तो ज्वाइनिंग लेटर गया तो बोले कि आपको जो वेरिफिकेशन के लिए अपने कागज डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, तो आप अपना डॉक्यूमेंट जमा करिए, इसके बाद अपने ब्लॉक में या अपने ग्राम पंचायत में जाके नौकरी करेंगे। जो उसमें ऐसी सैलरी रखी गई थी 12,500 रुपए सैलरी रखी गई थी। आज कहाँ आए हुए हैं आप? आज हम मऊ डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं। थाने में गए, थाने में वो तीनों लोग बंद है, ज्वाइनिंग लेटर वाले तीनों बंद है। पुलिस ने हमको मिलवाया और बाकी उनके ऊपर बोले हम FIR दर्ज कर लिया, उनको जेल भेजेंगे। लेकिन हम इस तरह में संतुष्ट नहीं, हम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। जिस स्तर से स्कैम हुआ है, जिस स्तर से स्कैम हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सैयद तौसीर, मैं बांदा के हथौरा ग्राम का हूँ। हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जो ज्वाइनिंग लेटर आया है डाक द्वारा आया है, और हमारा जो पेपर हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। तो जब किसी विद्यालय को हायर किया जाता है या किसी विद्यालय में पेपर या एग्जाम करवाए जाते हैं तो उनको पूरी जानकारी तो दी जाती है ना कि किसी किस चीज का पेपर है। और दूसरी बात, जब यहाँ ज्वाइनिंग लेटर आया हमारे पास, हम लोग मऊ तक आए, तब तक प्रशासन क्या करता रहा कि नहीं मालूम चल पाया। SP ऑफिस के बगल में ही कार्यालय उन्होंने खोल के इतना बड़ा स्कैम किया। अब तो यहाँ से हमें भीड़ को इधर उधर करने के लिए खानापूरी थाने में की जा रही है। बाकी क्या आश्वासन मिला आपको? हमारा आश्वासन कुछ नहीं मिला, बस यहाँ से भीड़ कम करने के लिए। आपकी कौन बंद है, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं। उन्होंने कहा FIR दर्ज कर ली गई है। भैया ये एक थोड़ा मोड़ा अगर स्कैम होता तो समझ में आता है। मऊ इसलिए आए थे, हमें उन्होंने जानकारी ये दी थी कि आपका मऊ डिस्ट्रिक्ट में SP ऑफिस के पास डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होना है, उसके बाद आपकी लोकल में नौकरी दी जाएगी, आप लोकल में ही अपनी जॉब करेंगे। लेकिन जब हम लोग यहाँ आए तो हमको ये स्कैम के बारे में जानकारी हुई। लेकिन अगर इस चीज जो चीज आज पकड़ी जा रही है, अगर स्टार्टिंग में पकड़ ली गई होती, जब वहाँ इतने बड़े कृषि मतलब इतना बड़ा विद्यालय था, किसी मिनिस्टर का कॉलेज है वो, तो उन्होंने बिना जानकारी के बिना उसको कैसे उन्होंने अपना कॉलेज दे दिया? क्योंकि जब पेपर हुआ था तो वहाँ लोकल स्टाफ, वहाँ के जो कॉलेज का स्टाफ था उनकी भी ड्यूटी लगी थी, वहाँ प्रशासन भी था। इतने लाख बच्चे गए और वहाँ से फिर मऊ हम लोग बांदा से आए हैं। हमारा एक बंदे का खर्च कम से कम 3,000 रुपये पर व्यक्ति पड़ रहा है, और आज प्रशासन हमें ये सिर्फ कह के भेज रहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, बाकी और कोई आश्वासन नहीं मिला है। और आगे हमें ये नहीं लग रहा है कि हम आप लोग आए थे
आज की आज हम कम से कम 4,000 की संख्या है, कम से कम 4 से 5 भी थी, और ये काम 2-3 दिन से चल रहा है। जी जी, जनपद में आम आज 4,000 लोग आए, कई जिले के लोग हैं, चित्रकूट है, पूरे उत्तर प्रदेश के जिले हैं, जौनपुर है, तमाम जिले के लड़के हैं, लेकिन हमें ये आकर के जानकारी मिली है कि हमारे कई जिलों के बच्चे इससे पहले भी यहाँ आकर के दे चुके हैं, और सबसे पैसा ले लिया गया जिन्होंने ऑनलाइन, पहले उन्होंने स्कैनर पैसे की डिमांड हो रही, उन्होंने पैसे की डिमांड की थी 1100 रुपया, 500 रजिस्टर के नाम पे लिया गया था पहले लखनऊ, समझ लीजिए एक एक बच्चे का कम से कम 10-10, 12-12 हजार रुपया लगा हुआ है, और इसमें लाखों की तादाद में बच्चा है, इसमें बड़ी सी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए, प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए, ताकि हमारे साथ जो ये अन्याय हुआ है किसी और व्यक्ति के साथ, हमारे पास बहुत बड़ा स्कैम हुआ है तो किसी और के साथ ना हो, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं आई हैं, छोटे छोटे बच्चों आए हैं, 1000 किलोमीटर से लोग दूर आए हैं, तो ऐसे बंदों को नहीं छोड़ना चाहिए ताकि आगे स्कैम ना हो किसी के साथ, मैं यही कहना चाहूंगा मीडिया के द्वारा।